नमस्कार। पैराग्लाइडिंग के प्री वर्ल्ड कप में महिलाएं भी अपना दमखम दिखा रही हैं। आप कह सकते हैं कि वीमेन पावर यहां एक खास स्थान रखती है। इस वक्त दो पायलट हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज जेनी। सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस कंपटीशन? आई एम रियली एक्साइटेड। आई लव कंपटीशन फ्लाइंग। सो सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन फ्लाइंग? 3 years। या इज इट योर फर्स्ट टाइम? माय फर्स्ट टाइम इन बीर। या आई हैव बीन हियर फॉर अ वीक फ्लाइंग बिफोर दिस। फ्रॉम वेयर यू हैव हर्ड अबाउट दिस? Just a lot of other pilots in the United States say that beer is the best place to be this time of year. Okay. Jenny, we'll come to you. Morning, ma'am. What's your good name? My name is Haiyan. What's going inside? I feel a little bit nervous, yeah, and excited too. So there are few female pilots. So even then, you think that competition will be tough? I don't know, but I will try. Yeah. 67 kilometers task. Fast. Yeah, I think the conditions will allow for very fast flying here. How you have prepared for the competition? I have done a lot of. I've done 9 competitions this year, so I've had a lot of practice competing in a lot of different places. So big competition, 9 competitions you have done. Job competition last year, so I said 3 or 4 competitions. So Okay, we wish you all the best. तो आपने देखा, हमने आपको दो महिला पायलट से मिलवाया, कुछ और महिला पायलट से मिलवाएंगे, इंडिया की कुछ पायलट्स भी हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। लगातार देखते रहिए पंजाब के सी टीवी। ऐसा नहीं है कि इस कंपटीशन में विदेशी महिलाएं अपना दमखम दिखाएंगी। हमारी अपनी बेटियां भी पूरी शिद्दत से इस कंपटीशन में डटी हुई है और उनको कंपटीशन देने वाली है। एक तरफ सुनिधि जम्बाल है मेरे साथ, एक तरफ अलीशा कटोचा। अलीशा, पिछली बार एक्यूरेसी कप में फर्स्ट आई थी फीमेल वर्ग में, अभी कितनी तैयारी है और कितना कंपटीशन देखती है अब तक होगा? वो जो लास्ट में हुआ था वो एक्यूरेसी कॉम्पिटिशन था, अभी जो क्रॉस कंट्री कॉम्पिटिशन है वो काफी डिफरेंस है। अभी तैयारी की है, देखते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि जितने जो गोल है मैं पूरा करूँ, कंप्लीट करूँ। इंडियन से है कंपटीशन या मेन? इंडियन से भी होगा और फॉरनर से भी होगा। जी सुनिधि, आपने कितनी तैयारी करी है? हाँ जी, तैयारी तो हम कर रहे थे, कोशिश रोज ही प्रैक्टिस कर रहे थे, रोज ही उड़ रहे थे, तो देखते हैं अभी क्या करते हैं हम। अलीशा, आपने इसके बाद कजाकिस्तान में भी टूर्नामेंट किया। जब आप अपने घर से बाहर टूर्नामेंट करते हैं तो कितना लाभ मिलता है? कजाकिस्तान में जब गई थी तो मतलब थोड़ा अलग से डिफरेंट साइड थी। जी तो डिफरेंट साइड थी, वहाँ पे जाके देखा कि यहाँ से अच्छे, मतलब वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे जाके अच्छा लगा मेरे को घर से बाहर। अच्छा, मैं दोनों से ये पूछना चाहूंगा, 67 किलोमीटर आपके लिए टफ नहीं है? टफ है, फर्स्ट कॉम्पिटिशन एक्सी का। टफ है? जी बिल्कुल टफ है। 67 किलोमीटर वैसे तो आसान नंबर है, लेकिन जो इन्होंने टास्क और टर्न पॉइंट्स दिए हैं वो हम जैसे जो नए और पहली बार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम करेंगे पूरी कोशिश कि हम गोल कप पे। अलीशा, जैसे प्रैक्टिस करते हैं जी, कितने किलोमीटर तक फ्लाई कर जाते हैं? 30-35। जी एक तरफ को। हाँ जी, 67 फिर हो ही गया। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। तो हमारी बेटियां भी जो हैं दमखम दिखाने के लिए आतुर हैं, और किसमें कितना दम है ये तो कंपटीशन जब एंड होगा तभी पता चलेगा। आपको लगातार कंपटीशन दिखाते रहेंगे, बने रहिए पंजाब के सी टीवी के साथ।